मजा लेना नहाना वा यार दी होंगे ना दो जने फीलिंग अलग होती है, दो जने इतने रख अकेले की अलग अल्लाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का वीडियो करते हैं शुरू। तकरीबन मुझे यहाँ आए तीसरा दिन है, जुमेरात का दिन है, तो सुबह का टाइम है। अब्बा जी के साथ चारा लेने के लिए बाहर निकले थे हम, तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा ज़मीनों को कुछ सूरत हाल देखें, क्योंकि जिस दिन से आया हूँ कुछ घर में काम था तो उसी में मसरूफियत थी, उसकी वजह से मुल्तान भी जाना हुआ कल। कल वापसी आके थकावट काफ़ी हो रही थी इसलिए आराम से सो गए। आज मूड बना है बाहर निकलने का अपनी ज़मीनों की तरफ। तो परसों हम इधर आए थे जो स्प्रे वगैरह करनी थी, लेकिन इस तरफ मेरा चक्कर परसों भी नहीं लगा। तो अभी सूरत हाल देखी है, क्यों फसल का काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये जो पिछले दिनों बारिशें आई हैं, काफ़ी ज़बरदस्त बारिशें आई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप दोस्तों को भी दिखाते हैं क्या क्या नुकसान हो चुका है। ये तिलों की फसल थी, ये रात रूटर फिर चुका है इसको, वो बारिशों की वजह से खुश्क हो गए थे, क्यों इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तिलों को, तो इसको पानी कुछ इसकी मकदार से ज़्यादा लग चुका था, तो पौधा ख़त्म हो चुका था, कोई फ़ायदा नहीं था इसको रखने का, इसीलिए रात इसमें रूटर फिरा। और आज 3 से 4 बजे के टाइम रेज़र वाला आएगा, रेज़र फिरेगी इसका लेवल बराबर होगा। तो इधर हम मक्की बीजेंगे अब, तो जो अगली जो विघा है हमारा वो माशाल्लाह कुछ बेहतर खड़ा है। बारिशों ने इस बार काफ़ी नुकसान किया है, अकेला हमारा नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ आसपास सबका नुकसान हुआ है, हुआ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे साथ जो चारा बीजा हुआ था उसके भी तकरीबन 7-8 लो होते हैं, के 7-8 बार उसको काट सकते हैं, लेकिन वो भी हमें ख़त्म करना पड़ा क्योंकि बारिश की वजह से वो भी नीचे से जल चुके थे, उसको जो मुड होता है चारे का। ये देखें ये कुछ बेहतर खड़े हैं, इसमें कुछ नुकसान हुआ है, ये जैसे ये खुश्क हो चुके हैं और कुछ इधर से खुश्क हो चुके हैं, तो कुछ माशाल्लाह बेहतर खड़े हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा, जो किस्मत नसीब हुआ वो मिलेगा। और ये हमारा चारा जो कि ख़राब हो चुका था, इसमें भी रूटर लगवा के बी गिराया गया है, तो ये भी माशाल्लाह इतना इतना सा हो चुका है, तो ये कुछ ठीक खड़ा था इसलिए इधर कुछ हमने नहीं किया, बस ये जितना जितना ख़राब हुआ है इसको दोबारा बिजाई करनी पड़ी है। ये देखें ये कुछ हो चुका है, चारा भी हमारा कट चुका है, तो थोड़ा सा टाइम हो लगेगा 5-10 मिनट, फिर उसके बाद लेके चलेंगे उसको। मारता तो नहीं, हवा चल रही है काफ़ी मज़े की, लेकिन मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं कल मुल्तान से आया हूँ, पहले आते मैंने कूलर सेट किया, क्योंकि कूलर हमारा काफ़ी पुराना पड़ा था, तो उसकी कुछ सफाई वगैरह करें, क्यों हम चलाते नहीं हैं, क्यों घर वाले भी नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी जिसकी वजह से मैंने उसकी आगे सेटिंग की है। तो आज हवा तो चल रही है लेकिन फिर भी कुछ महसूस हो रही है गर्मी का, हवा तो काफ़ी मज़े की चल रही है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है। और आम के दरख्त के नीचे तो हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है, बस इधर चारपाई हो और सुकून से लेटे हों, मज़े की हवा है इधर। सुबह जब चारा लेके आए हैं उसके बाद शहर चले गए थे, तो शहर में काफ़ी टाइम लगा, हमारा कुछ काम था, तो काफ़ी चल सो चल रही है,
तो अभी असर के बाद भाई निकले हैं क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है। पहुंच गया तू? हाँ, हाँ ये भी आ गए। किधर से तू? वही टाइम लाता था या मैं मोटरसाइकिल खड़ी करने आ गया फिर दो मिनट लगा। मैं रुकने लगा सी, मैं देखे तू है ही नहीं, फिर मैं रुक गया। मैं तो नहीं रुके, मेरा काम ही नहीं थे। तुम मैं कॉल कितनी बना सी है नहीं सी मेरे को। हाँ मैं हमने कॉल करने लगा देखो मोटरसाइकिल मिस कॉल का पता नहीं चला। तू बोल दोनों चल दे पे नहाना चले चल ना लेने मैं नहीं नहाना तू नहाना तो चल नहीं फिर रहने मजा ही नहीं दोनों है नहीं ना मजा की तू ना दो नहाना नहाला मैं उठे आना नहीं चाड़े यार पानी शानी पीने पानी पी लेने नहीं नहाला कुछ नहीं था कपड़े आज जुमे रात है आज का दिन आखिरी है कल को वापसी भी होगी हमारी तो किस काम के लिए हम आए थे इधर वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है तो बस थोड़ा सा रहता है उसी के सिलसिले में ये तकरीबन दो दिन मेरे भाग दौड़ में रहे हैं इसलिए व्लॉग बनाने का भी कुछ मज़ा नहीं आया। परसों कल मुल्तान गए थे परसों कल कल मुल्तान भी गए थे आज खाने वाले काफ़ी टाइम रहे हैं उधर काफ़ी चक्कर लगे हैं तो बस उम्मीद है कि कुछ थोड़ा सा रहता है वो अब थका हुआ था दोपहर जब आया हूँ तो काफ़ी थकावट हो रही थी तो आराम किया है तो अब असर के बाद थोड़ा सा बाहर का माहौल देखने के लिए निकले हैं क्यों घर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो कितने पास गया थोड़ा नहीं ऊपर नहीं है तो अभी बस थोड़ा सा टाइम है इनका दिल कर रहा है नहाने को ये मेरे साथ नहाएगा फिर ही नहाऊंगा मैं नहीं नहाऊंगा फिर मज़ा ही नहीं आता तू मज़ा लेना नहाना यार जी ना दो जने फीलिंग अलग होती है दो जने रख अकेले की लग तो मैं नहीं नहाता हूँ ट्यूबवेल पे बहुत कम क्यों मुझे माफ़ी की नहीं है ट्यूबवेल का पानी तो इसलिए अभी इसको धक्का देंगे ज़बरदस्ती नहलाएंगे चल चल रहे हैं अभी माशाल्लाह तो ओ लाल सिंह वाला चलन नहीं दिया हाँ मैं उधर गया वहाँ मैं क्या चल थोड़ा बहने फिर मैं वापस आ गया तो ट्यूबवेल ही बंद से तो अभी ये चल रहे हैं दोनों इस साइड पर हम ये देखने आए थे तिल की फसल क्यों उस साइड वाली तो हमारी एक बीघा ज़ाया हो चुका है तो एक बीघा ये है ये कुछ बेहतर खड़े हैं ये देखें कुछ विरले हुए हैं लेकिन बेहतर हैं हूँ चढ़िया भी नहीं जाता पीला तू भी ड्रामे करने लग गया औखा हो गया पीन जा यार हूँ तेरे को पीता नहीं आ रहा है तू ना चुमिया ले Gracias.